हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस आंदोलन में मध्य प्रदेश से भी आए हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के लोग हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर का जो हाल है, किसानों ने कर रखा है वो दिखाएंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, यह मुसलमान भाई भी इस कानून के विरोध में अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और अपना नमाज अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनके पास भी एक जमीर है अपना। तो यह भी मुसलमान भाई भी किसान कानूनी जो बिल्स बनाए हैं उनके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। देख लीजिए, नमाज अदा कर रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, अब चलते हैं, हम आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, यूनाइटेड सिक्स की तरफ से ये किया जा रहा है कुछ। यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया है, गुरु का लंगर यहाँ पे वर्ताया जा रहा है। हम चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जगह जगह पर गुरु का लंगर लगाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर आएं, इस आंदोलन में भाग लें। दोस्तों ये काले कानून बनाए गए हैं किसान विरोधी के लिए। दोस्तों अगर हम किसान नहीं हैं तो हम किसानों के साथ खड़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि किसान ही हमें अनाज पैदा करके देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेवा की जा रही है, जूतों को पॉलिश किया जा रहा है, लोगों के जूतों को पॉलिश करके दिया जा रहा है। यह एक सेवा है, फ्री सेवा है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इन व्यक्तियों की तरफ से यह बूट पॉलिश की सेवा की जा रही है। देख लीजिए, बहुत अच्छा काम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मेडिकल कैंप है, और आगे चल के दिखाते हैं हम आपको, जहाँ पर वो स्टेज वगैरह लगी हुई है वो दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं उस आंदोलन के बिल्कुल पास, और चलते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यहाँ पर ट्राली ही ट्रॉली आई हुई है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं अलग अलग राज्य से, यहाँ पर इस आंदोलन में आए हुए हैं। देख लीजिए दोस्तों, मतलब इन्होंने दिल्ली बॉर्डर को पूरा ही सील कर रखा है। सिंघू बॉर्डर है दोस्तों, कुंडली और सिंघू बॉर्डर के बिल्कुल पास है ये। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जगह जगह पर लंगर चल रहा है, ये चाय का लंगर है, और साथ में बिस्किट वगैरह दिए जा रहे हैं देसी घी के। देख लीजिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने पक्के ही शेड डाल दिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक ये किसान भाई यहाँ से नहीं उठेंगे। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जगह जगह पर तंबू लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ट्रॉली ही ट्रॉली है और लोग ही लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस आंदोलन में। माताएं, बहनें और हमारे भाई और बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरफ हरियाणा के भाई बैठे हुए हैं, देख लीजिए, ये हरियाणा के भाई हैं। और आगे चल के दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंगर की सेवा लगाई गई है। देखिए रैन बसेरा बनाया गया है रहने के लिए, यहाँ पर बनाया गया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है उसके लिए रहने के लिए बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है रहने के लिए, तो यहाँ पर आप रह सकते हैं। ये देख लीजिए, ये रहने के लिए जगह है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग सामान भी बेचे जा रहे हैं, उनकी कमाई भी अच्छी हो रही है इस जगह पर।
और ट्रॉली ही ट्रॉली खड़ी हुई है। बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं आप। दोस्तों देखिए कितनी ठंड में ये किसान भाई यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि हमारे इतने लोग इस जगह पर इस आंदोलन में पहुँचे हैं, तो इनका ये कहना मान लेना चाहिए किसानों का। जो ये इन्होंने कानून बनाए हैं इनको रद्द कर देने चाहिए, जो ये किसान भाई लोग कह रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी लंगर चलाया गया है, खीर वगैरह का लंगर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों खीर और चाय वगैरह का लंगर दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आए, आपको खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कपड़े फ्री में दिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कपड़ा पहनने के लिए भी। देखिए दोस्तों अब हम बिल्कुल ही स्टेज के पास पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं स्टेज। हम चलेंगे बिल्कुल पास ही स्टेज के, यहाँ पर पक्के तंबू लगाए गए हैं दोस्तों, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों किसान मजदूर एकता जिंदाबाद की तरफ से लेबोरेटरी लगाई गई है 24 घंटे, हॉस्पिटल सेवा लगाई गई है, ये फ्री में सेवा है दोस्तों, ना कोई आपसे पैसे लिया जाता है यहाँ पर। और ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर किसानों की तरफ से ये लंगर घर बनाए गए हैं, देख लीजिए लंगर पकाया जा रहा है। ये ट्रॉलियों में रहने के लिए जगह बनाई गई है इनकी तरफ से। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं हम पास और दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दवाई ही दवाइयों का कैंप लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी कोई बहन है, ये देखिए वो अपना इंटरव्यू दे रही हैं किसान विरोधी बिल के बारे में। चलते हैं हम आगे और दिखाते हैं गुरु का लंगर, देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी रहने के लिए जगह बनाई गई है, देख लीजिए ये रैन बसेरा बनाया गया है, देख सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पर रहने के लिए, रजाई है, कंबल है, देखिए गुरु का लंगर। चलते हैं हम आप, ये दोस्तों बुक्स हैं, देख लीजिए फ्री में बुक्स पढ़ने के लिए दी जा रही हैं। जो भी व्यक्ति बुक्स पढ़ने का शौकीन है वो यहाँ पर बुक्स लेकर पढ़ सकता है। और अब हम आगे चलते हैं, ये है दोस्तों स्टेज, ये एक नंबर स्टेज है दोस्तों, देख लीजिए हम आपको पास से दिखाएंगे। ये एक नंबर स्टेज है, यहाँ पर किसान भाई अपना माइक लेकर किसान विरोधी बिल के बारे में अपना भाषण जारी रखते हैं। चलते हैं हम आगे और दिखाएंगे बिल्कुल पास से आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर मीडिया की तरफ से कैमरे वगैरह भी लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप। हम आपको पास से दिखाएंगे, ये है स्टेज, देख लीजिए स्टेज है दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे दूसरे नंबर स्टेज। दोस्तों ये देख लीजिए निंग सिंह की तरफ से ये घोड़े को कैसे ले जाया जा रहा है। यहाँ पर निंग सिंहों ने भी अपना डेरा जमा रखा है, ये देख लीजिए ये बैठे हुए हैं निंग सिंह, इनके ट्रक खड़े हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जी रखा हुआ है, उनका पाठ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर दोस्तों घोड़े ही घोड़े देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। देखिए दोस्तों यह है सेंटर कुंडली बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर का। ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको घोड़े ही घोड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। देख लीजिए बैरिकेड लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप, नुकीली तारे वगैरह भी लगाई गई हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है और लोग आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। कंटेनर भर भर के लगाए गए हैं यहाँ पर मिट्टी से, कोई यहाँ पर कोई धक्का मुक्की ना हो जाए या फिर कोई लड़ाई दंगा ना हो जाए, उसकी वजह से ये कंटेनर वगैरह लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको दूसरे नंबर स्टेज। देखिए दोस्तों इस तरफ वह आर्मी के दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, देख सकते हैं आप, देख लीजिए। बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री की तरफ से ये तैनात किए गए हैं। ये कोई आतंकवाद नहीं है, यह सिर्फ किसान भाई हैं जो अपना हक मांगने के लिए इस जगह पर आए हैं दिल्ली के अंदर, जो इनको दिल्ली के अंदर जाने के लिए रोका जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जूते वगैरह भी मिलते हैं, देखिए जैकेट्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों यह देखिए यह भाई भी नारेबाजी कर रहे हैं बैठकर अपना शांतमय से, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से। अब हम आपको दिखाएंगे एक नंबर स्टेज और चलते हैं। देखिए ये एक नंबर स्टेज के पास हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये एक नंबर स्टेज है, सॉरी दो नंबर स्टेज है ये। दोस्तों देख लीजिए दो नंबर स्टेज है सिंगू बॉर्डर की, वह कुंडली बॉर्डर की थी, ये सिंगू बॉर्डर की है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।